आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ करेंट अफेयर्स की। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम उसको डिस्कशन करेंगे। और हाल ही में अभी आपको पता होगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जिसका नाम है टाइगर रिपोर्ट 2022। तो ये कैसे जारी हुई, इसे जारी करते संस्थान कौन सा है ना, प्रोजेक्ट टाइगर में कौन कौन से अभी तक करेंट में कितने ही टाइगर रिजर्व बन चुके हैं और कौन सा स्टेट अगेन द टाइगर स्टेट का दर्जा पा गया है, ये सब जानने की कोशिश हम आज करेंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं, है ना, किसकी, टाइगर रिपोर्ट 2022 की एनालिसिस करते हैं और इसके तहत हम आपको बताते हैं। इसको आपको मैंने पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कहां से कहां इसकी शुरुआत हुई और कैसे हुई। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा क्या था कि जब हम देखते हैं 1969 का जो दौर देखते हैं, 1970 के आसपास का जब दशक देखते हो तो यहां पे क्या हो रहा था कि टाइगर्स की क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा पोचिंग हो रही थी, हंटिंग की जा रही थी और बहुत ज्यादा शिकार किया जा रहा था, जिससे आपको पता होगा यहां पे शेरों की संख्या में गिरावट आ रही थी। जब इस शेरों में संख्या में गिरावट आ रही थी तो एक संस्था है, उन्होंने इसकी चिंतित जताई, IUCN। आपको पता होगा एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। और देखिए चार शब्द है ना, तो ये 1964 में बनी है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में। तो ये संस्था मिलके और एक संस्था में है भारतीय वन्य जीव संस्थान। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक 10वां कन्वेंशन होता है IUCN का और वहाँ पे इस बारे में लोग डिस्कस करते हैं कि टाइगर्स को कैसे बचाया जाए। तो 1970 में इन्होंने एक परिकल्पना करते हैं और उसके तहत ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करने की बात करते हैं। और ये करते करते आपको पता होगा एक एक्ट आया था, IUCN और भारतीय वन्य जीव संस्थान ने जब डिस्कस किया तो इसके बाद आपको पता होगा एक एक्ट आया 1972 में, और 1972 में एक एक्ट आया, उस एक्ट का नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। और इस एक्ट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इस एक्ट के बाद जैसे ये एक्ट आया, इस एक्ट के तहत और यहाँ पे घोषित किया गया, तो इस एक्ट के बाद अगली जो डेट आती है वो आती है कब, 1 अप्रैल 1973 में IUCN और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा टाइगरों को बचाने के लिए, उनकी गिरावट हो रही थी, जो उनकी डेथ हो रही थी, उनकी पोचिंग हो रही थी, उनके बचाने के लिए यहाँ पे एक चीज़ की शुरुआत करती है, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में की गई थी। अभी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तो की गई थी तो कौन किया था पूछेगा, तो आपको बताना होगा इसकी शुरुआत, आपको पता होगा इस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी, इंदिरा गांधी। और एक व्यक्ति थे भारतीय में जो प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर काफ़ी काम करते थे, उनका नाम था कैलाश सांख्या। इन्होंने, ये दोनों व्यक्ति मिलके राजस्थान से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करते हैं। और जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है तो ये उस समय के भारत के 18 राज्यों में, वो सॉरी ये प्रोजेक्ट टाइगर नौ राज्यों से इसकी शुरुआत होती है। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो पहला नेशनल पार्क आया था वो कौन सा आया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये इस टाइगर प्रोजेक्ट के तहत पहला आया था। और ऐसे नौ नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 9 नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें से पहला नेशनल पार्क था कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अभी हाल ही में इस नेशनल पार्क का नाम चेंज करके राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया है, क्यों, क्योंकि राम गंगा इस नेशनल पार्क के बीच से बहती है, ठीक है। तो इस फर्स्ट नेशनल पार्क जो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जहाँ पे 9 नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। ये उस समय के तत्कालीन समय के 18,000
18,000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ था, मगर वर्तमान में भी आपको पता होगा हाल ही में अभी हमारे पास NTCA एक संस्थान होती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 में बनी गई थी, इसी एक्ट के तहत बनाई गई थी। ये रिपोर्ट जारी करती है कि कितने शेर हैं, कितने बाघ हैं, और इन्होंने रिपोर्ट जारी किया और ये बताती हैं कि अभी वर्तमान भारत में 53 टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, है ना। तो पहला तो आपको याद हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसके बाद जो भी लेटेस्ट जो अभी आप देखेंगे तो 53rd टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। और ये कहाँ पे बना है तो आपको पता होगा रानीपुर यूपी में ये स्थित है, है ना। तो ये अभी 53वां है, और अब हमारे पास देखेंगे तो 75,000 किलोमीटर स्क्वायर में अब हमारा टाइगर प्रोजेक्ट फैला हुआ है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 2.4 है, 2.4% है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए, अभी आपसे पूछेगा भारत में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं, तो आप क्या बोलोगे, 53 टाइगर प्रोजेक्ट, और सबसे लेटेस्ट जो बना है वो रानीपुर यूपी में बना है, है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत क्यों की गई, क्योंकि जो गिरावट आ रही थी बाघों में, उनको बचाने, उनको संरक्षण, और इनका मेन जो एम था वो यही था, बाघों की संरक्षा करना। और जैसे ही 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है, तो आपको एक फैक्ट पता होगा, हमारे देश का जो नेशनल एनिमल है वो कौन है, टाइगर है। इससे पहले शेर था, 1969 तक शेर था, मगर 1973 में डिसाइड करके यहाँ पे किसको बना दिया गया है नेशनल एनिमल, तो आपको पता होगा किसको, टाइगर को बना दिया। ये बिग कैट में आता है, है ना, किस पे आता है, बिग कैट में आता है। इसकी 7 प्रजातियों में से हमारे भारत में पाया जाता है, है ना। अभी मैं आपसे आगे और डिस्कस करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ से इसकी शुरुआत होती, तो नेशनल एनिमल भी किस कब घोषित किया गया, 1973 में। इसका आप वैज्ञानिक नेम या साइंटिफिक नेम देखेंगे तो टाइग्रस पैंथरा कहा जाता है, और ये बिग कैटों की प्रजातियों में से एक है। दूसरी चीज़, इसको बचाना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसको कंजर्व कर रहे हैं, क्यों हम बाघ के पीछे इतना पड़े हैं, तो आपको पता है इनसे हमें ढेर सारे फायदे हैं, क्योंकि आपको पता है ये एक कार्निवोरस एनिमल है, ये मांसाहारी भोजन है, जो जैव विविधता या बायो डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में सहायता करता है, जलवायु परिवर्तन में ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस पर भी ये इंपॉर्टेंट रोल करता है। दूसरी चीज, जो ये एक टूरिस्ट सेक्टर के हिसाब से भी है, जो पर्यावरण के हिसाब से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। तो जब भारी गिरावट आ रही थी, तो इसके तहत हमने एक योजना शुरू की गई जिसे प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं, और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तत्कालीन इंदिरा गांधी ने 9 नेशनल पार्कों में से की थी, और इसी समय इनमें सहायता कर रहे थे कौन, कैलाश सांख्या। इसलिए कैलाश सांख्या को हम क्या कहते हैं, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का जनक, या कहेंगे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कह सकते हैं आप। तो आप लिख सकते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, कैलाश सांख्या जी को। किसको, कैलाश सांख्या जी को क्या कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर एग्जाम में आया है। और आपको पता होगा जो प्रोजेक्ट टाइगर, अब विश्व में, वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहेंगे, तो क्या कहेंगे, गैनी मैनफोर्ड। तो आपको बताना है, ये तो इंडिया लेवल में है, इंडिया लेवल में आपको टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, कैलाश सांख्या को, और वर्ल्ड लेवल में किसे कहते हैं, वर्ल्ड लेवल में, विश्व लेवल में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, अगर आएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो आपको पता होगा किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा गैनी मैनफोर्ड को, किसे, गैनी मैनफोर्ड, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार आया है, और जो प्रोजेक्ट टाइगर जो शब्द दिया है वो भी गैनी मैनफोर्ड को दिया गया है। तो यहाँ से आपने इसके बारे में तो जान चुका है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 53 जो टाइगर प्रोजेक्ट हैं, इनमें से कुछ लेटेस्ट अभी बनाए गए हैं, तो मैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ, है ना। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी लोकेशन, जो हाल ही में अभी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुए हैं, है ना, तो उनको देखिए। यह है हमारा प्यारा भारत, यह है भारत, है ना। तो भारत में आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया कितने टोटल, कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं,
कितने हैं लेटेस्ट आज की डेट तक भाई, है ना, कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं अभी आपको? प्रोजेक्ट टाइगर ये एनटीसी के अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एनटीसी ये कितने बताते हैं, 53, है ना, 53rd टाइगर प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से कुछ फैक्ट बनते हैं, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट टाइगर क्यों चर्चित में है आपको पता होगा, हाल ही में हमने इसका 50 साल पूरा किया है। 1973 से 2023 तक आप देखेंगे तो 50 साल इसके पूरे हो गए हैं, और यहाँ से मोदी जी ने आपको अनाउंसमेंट किया था कितने टाइगर हैं, क्या है, अभी हमने सब डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताया होगा। तो थोड़ा सा यहाँ से फैक्ट देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व चल रहा है वो कहाँ पर चल रहा है, तो आपको पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट कहां पे चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यहां पे एक नेशनल पार्क है, कहां पे, आंध्र प्रदेश में, इसे कहते हैं श्री सेलम या नागा अर्जुन, नागा अर्जुन नेशनल पार्क में यहां पे क्या चलता है, सबसे बड़ा, यहां पे लिख लीजिए, यहां पे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, नागा अर्जुन नेशनल पार्क, जो कि आंध्र प्रदेश में, इसे श्री सेलम के नाम से भी जाना जाता है। फिर आप देखोगे एक महाराष्ट्र में है बोर घाटी, है ना, ये बोर नेशनल पार्क, सॉरी मैं बोर घाटी बोल दिया, बोर घाटी होशंगाबाद में है, बोर नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है, कौन सा, बोर नेशनल पार्क, ये क्या होगा, ये भारत का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है, सबसे छोटा, है ना, ये आपसे क्वेश्चन आएंगे, सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में चल रहा है और सबसे बड़ा नागार्जुन में चल रहा है। अब पूछेगा भारत में सबसे ऊंचाई पे स्थित टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है नामदफा, है ना, नामदफा टाइगर प्रोजेक्ट आपको बताना है, नामदफा टाइगर प्रोजेक्ट, ये क्या है, भारत का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, और कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद आप देखेंगे साउथ में तमिलनाडु में एक है मुदुमलाई, 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 सॉरी मुदुथरई है, मुदुथरई, मुदु, मुदुथरई, मुदुथरई टाइगर प्रोजेक्ट, ये लिखिए, ये भारत का सबसे दक्षिणतम जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, लिखिए भारत का, भारत का सबसे, सबसे दक्षिणतम टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और भारत का सबसे दक्षिणतम टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। और असम में देखेंगे तो असम में एक नेशनल पार्क है, आपको पता होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेंगे असम में, यहाँ पे एक असम में आप देखने मिलेगा कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क जो देखने मिल रही है यहाँ पे घनत्व में, घनत्व में पूछेगा किस टाइगर सबसे ज़्यादा घनत्व में, है ना, सबसे ज़्यादा घनत्व में टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा घनत्व में, सबसे ज़्यादा घनत्व में टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पे देखने मिल रहा है, टाइगर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे, असम, कहाँ पे, असम में देखने मिलेगा, मतलब यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा घनत्व, घनत्व मतलब जैसे एक किलोमीटर में कितने ज़्यादा आपको शेर देखने मिल रहे हैं, जैसे नेशनल पार्क में अगर पूछेगा तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क आएगा, वहाँ पे 8 किलोमीटर में आपको एक शेर देखने मिल जाएगा, वो जो MP में लोकेटेड है उमरिया ज़िले में, ठीक है, ये टाइगर प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे आपको असम में देखने मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गए, तो अब आपको देखेंगे कि जो सबसे लेटेस्ट कुछ बने हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपसे पूछेगा औरंग, एक आसाम में ही है औरंग, कौन सा नेशनल पार्क, औरंग, औरंग टाइगर प्रोजेक्ट, ये कौन सा बना था, ये 49वां बना है, ठीक है। औरंग के बाद आप जाएंगे 50वां जो बना है वो कौन सा बना है, केमलांग, केमलांग कहाँ पर है, यहाँ पर है केमलांग, केमलांग, और यहाँ पे क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, केमलांग टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है, 50वां है, ठीक है, ये भी कहाँ पे है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में। 50 के बाद पूछेगा 51 कौन सा है, तो ये है कहाँ पे, ये कौन सा है, मेघामलाई, मेगा, मेघामलाई, मेघामलाई टाइगर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में है ये भी, और ये कौन सा है भारत का, ये 51 है, ये 51 है, इस ये कहाँ पे है, औरंग, औरंग का नाम से फिर से राजीव गांधी कर दिया है, याद रखना, ठीक है, तो मेघामलाई। इसके बाद आप आओगे राजस्थान में, और यहाँ पे 52वां टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है, अभी 52वां क्या बना है, विश्वधारी, विश्वधारी, विश्वधारी
है ना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, ये 52वां है ना। और 53वां आप देखोगे तो आपको यूपी में एक जगह देखने मिलेगी जिसका नाम है रानीपुर, है ना। क्या है? रानीपुर, रानीपुर, रानीपुर टाइगर प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार से कहाँ पर है? ये यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में। तो सबसे लेटेस्ट और जो 53वां जो 53rd बना है, 53वां जो टाइगर प्रोजेक्ट की बने, वो कहाँ पे? यूपी के रानीपुर, रानीपुर टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं ये, रानीपुर अभयारण्य आप कह सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पे आपको कहाँ पे? यूपी में आपको देखने मिलेगा। तो इस प्रकार हमारे पास कितने हैं? 53वां है। और आपको पता होगा अभी एमपी जो हमारा मध्य प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश में 54वां या 54th टाइगर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, अभी ये प्रस्तावित है। कौन सा? नौरादेही। कौन सा? नौरादेही। नौरादेही और रानी दुर्गावती को मिलाकर वीर वीरांगना दुर्गावती नेशनल पार्क उसको घोषित करने के लिए प्रस्तावित है और उसे टाइगर प्रोजेक्ट के बनाने की चर्चाएं अभी चली रही हैं। अगर वो बन जाता है तो भारत का 54th टाइगर प्रोजेक्ट होगा, है ना, और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर प्रोजेक्ट होगा। कौन सा प्रोजेक्ट होगा? 7वां टाइगर प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको भारत के आपको पता चल गए होंगे। अब मैं एमपी के आपको बताता हूं, है ना। तो ये आपने लिख लिया होगा, ज्यादा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए, देखिए अब हम एमपी की बात करते हैं, क्योंकि अभी जो हाल ही में आई रिपोर्ट है ना, इसको जानना और एमपी से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो टोटल कितने हैं हमारे पास? अभी हमारे पास 53 हैं। कौन कहता है? एनसीटीए। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब आप देखिए, थोड़ा मैंने मध्य प्रदेश का आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे यह है मध्य प्रदेश, है ना। और मध्य प्रदेश में आपको पता है मैंने अभी आपने एक ट्रिक लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक ट्रिक लिखी है यहाँ पे, वो ट्रिक का नाम है जो यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं कितने, कोई बताएगा? हाँ, कितने चल रहे हैं? देखिए यहाँ पे पहले 6 नेशनल पार्क में चल रहे थे और एक अभयारण्य में चल रहा था, टोटल 7 जगह टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे थे। मगर अभी हाल ही की आने वाली रिपोर्ट में मैंने क्या बताया, नौरादेही और दुर्गावती अभयारण्य को आपस में मिलाया जा रहा है और उनको मिला के क्या बनाया जा रहा है, एक नेशनल पार्क बनाने की बात कर रही है। और जैसे नेशनल पार्क बन जाएगा, अभी ये प्रस्तावित तो ये भारत का 54वां टाइगर प्रोजेक्ट होगा, जो कि सागर जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है, 1127 किलोमीटर में फैला हुआ है, नरसिंहपुर दमोह सागर में आता है, ठीक है। तो अभी देखिए आप, तो मैंने आपको एक कोड बताया था, एक ट्रिक बताया था, क्या? कांपे, कांपे पब, कांपे पब सर सर, कांपे पब सर सर, ये क्या है? जहां पे टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहां पे? मध्य प्रदेश में। तो कहां से आपको पता होगा, कान्हा में सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट चला हुआ था। देखिए भारत में कब शुरुआत हुई थी? 1973 में, मगर मध्य प्रदेश में कब? 1974 में, है ना। फिर इसके बाद लिखना है कान्हा नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट चला था। फिर इसके बाद आप देखोगे तो कौन सा है? पैंच, पैंच टाइगर प्रोजेक्ट। फिर आप देखेंगे तो पन्ना, पन्ना टाइगर प्रोजेक्ट। फिर आप देखोगे तो बांधवगढ़, बांधवगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट। फिर आप देखेंगे तो कौन सा? सतपुड़ा टाइगर प्रोजेक्ट। और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सतपुड़ा के बाद क्या आता अपना, संजय गांधी, संजय गांधी टाइगर प्रोजेक्ट। तो देखिए ये नेशनल पार्क है, ये वन हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, अभी तक 6 नेशनल पार्क ऐसे थे मध्य प्रदेश के जहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे थे और एक जो है वो अभयारण्य था, सेंचुरी था। ये क्या था? अभयारण्य, अभयारण्य था, है ना, सेंचुरी था। ये कौन था? राता पानी, राता पानी रायसेन में स्थित है और ये एक अभयारण्य है। यहाँ पे भी क्या चल रहा था? टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है। अब कब कब चल रहे थे? तो 6 नेशनल पार्क में चल रहे थे और एक अभयारण्य में चल रहा था। पूछे कितने नेशनल पार्क, तो 6 और अभयारण्य एक, टोटल 7 एमपी में चल रहे थे। मगर वर्तमान में मैंने अभी आपको क्या बताया, नौरादेही और वीरांगना दुर्गावती को, दो अभयारण्य को आपस में मिलाया जा रहा है और इसे नेशनल पार्क बनाने की बात की जा रही है और नेशनल पार्क बना के यहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर प्रोजेक्ट होगा और भारत का 54वां नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट होगा जो यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। कहाँ पर है ये? सागर में स्थित है। कहाँ पर? सागर, जिसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं, है ना, सागर में स्थित है। और यहां पे इसका नाम रखने वाले हैं वीरांगना,
वीरांगना दुर्गावती अभ्रणय है ना। और ये आपको पता होगा, ये लेटेस्ट है, तो आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क होगा ये, तो ये सातवां नेशनल पार्क होगा, क्योंकि भैया एक अभ्रणय है ना, इसलिए ये सातवां नेशनल पार्क होगा। और पूछेगा भारत का कौन सा होगा, तो ये 54वां टाइगर प्रोजेक्ट होगा, ये आपको याद रखना है। और आपको पता है नौरा देही सबसे बड़ा अभ्रणय भी है मध्य प्रदेश का, 1127 किलोमीटर स्क्वायर में सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ठीक है। और नाम्बिया से चीते लाने की भी बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में। और आपको इनको याद रख सकते हो, तो इनको आप याद रख सकते हो, 1974 में कान्हा में सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 74 के बाद आपको याद रखना है 1983 में पैंच में, फिर 93 फिर लिखिए सॉरी 95 है 1995, फिर 1993 में, फिर उसके बाद आप देखेंगे 1999 में, और फिर उसके बाद संजय गांधी में आप देखेंगे तो यहाँ पे शुरू हुआ 2004 में, और रातापानी में 2011 में इसकी शुरुआत हुई। तो भारत मध्य प्रदेश में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कान्हा में हुई, और कान्हा जो नौ इंदिरा गांधी ने जब राजस्थान से नौ नेशनल पार्कों से शुरू किया था उनमें भी कान्हा शामिल था, ठीक है, क्लियर, और हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि कहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट बनने वाला है और क्या बनने वाला है। ये आपको कितना 1127 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे बड़ा अभ्रणय था, कौन सा, नौरा देही अभ्रणय और दुर्गावती अभ्रणय को मिलाया जा रहा है, और उसके तहत क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क घोषित किया जाएगा, और इस नेशनल पार्क घोषित करने के बाद इसे क्या बना दिया जाएगा, इसे टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। तो अभी हाल ही में आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आप टोटल पूछे तो 8, कितनी, 2 सेंचुरी में, क्या कहते हैं, एक सेंचुरी में, और जो नया नेशनल पार्क बन जाएगा नौरा देही, ये वीरांगना दुर्गावती अभ्रणय है, तो यहां पे आप टोटल कितने हो जाएंगे, 7वां टाइगर प्रोजेक्ट होगा, क्लियर। मेरे ख्याल से आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज तो आपने टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में सीख लिया। अब देखिए क्या होता है, हमें कल हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश दोबारा से क्या है, टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हो चुका है ना, टाइगर स्टेट का दर्जा। आपको पता है टाइगर स्टेट का दर्जा, ये टाइगर स्टेटस किसको मिला है, तो आप क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश को फिर से मिला है। तो हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होगा मध्य प्रदेश चाहे वो वन संपदा में हो, चाहे वो वॉल्फ में या भेड़िया में हो, उसकी भी हाली रिपोर्ट आई थी, 772 मिले थे, चाहे वो वल्चर में हो, चाहे वो चील में हो, ये सब स्टेट में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे इनकी संख्या सबसे अधिक देखने मिलती है। तो इसी प्रकार का हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो 29 जुलाई है ना, 29 जुलाई को हम एक दिवस मनाते हैं, और वो दिवस है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं क्या, इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और ये क्या करती है, कब से इसको हम मनाना शुरू कर रहे हैं, तो आप बताएंगे ये 2010 से इसको मनाना हम शुरू कर रहे हैं। टाइगर समिट हुई थी 2010 में, रशिया का एक शहर है जिसका नाम है सेंट पीटर्नबर्ग, और वहाँ पर डिसाइड किया गया था कि हम जो शेरों की बाघों में जो गिरावट आ रही है उसको 2022 तक हम इसकी संख्या को डबल कर देंगे, इसलिए 2010 से हम टाइगर दिवस मनाने की शुरुआत करते हैं। और जब वहाँ पर ग्लोबल समिट हुआ तो उसके तहत अब यहाँ पर काम करना शुरू किया गया। और इसके पहले जब ये दिवस मना रहे थे, तो इसके पहले 2005 में एक संस्था है जिसका नाम है NTCA, इसका क्या फुल फॉर्म होता है कोई बताएगा, तो आपको पता होगा, कमेंट में लिख के आप मुझे बताइए है ना, ये कौन सी संस्था है ना, तो आपको पता हो, और ये कब बना इसको बताना है आपको, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। और ये किस अधिनियम, अभी जो आपको बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनाया गया था, एक स्टैचुरी बॉडी है, एक विधानिक संस्था है, इसको बनाया गया था 2005 में इसको बनाया गया था। और ये अपनी रिपोर्ट कब पेश करती है, ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है 2006 में। और जब ये सबसे पहले बाघों की गणना करती है, तो इस समय 2006 में मध्य प्रदेश फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ था, टाइगर स्टेट का इसको स्टेटस मिला था। मगर क्या हुआ, मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा हंटिंग होने लगी और बहुत ज़्यादा पोचिंग होने लगी, तो ये स्टेटस अगली बार क्या हो गया,
मध्य प्रदेश से चला गया। अच्छा, NTCA जो है, ये जो हमारी रिपोर्ट जारी करती है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये अकेले नहीं मिलती, ये उस राज्य के मतलब स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लस एनजीओ के साथ मिलके एक रिपोर्ट जारी करती है, जिस रिपोर्ट को हम कहते हैं टाइगर रिपोर्ट। अब समझ में आया? तो पहली रिपोर्ट जब जारी हुई तब कब हुई? ये 2006 में करी, और यहाँ पे मध्य प्रदेश पहला स्टेट था जिसे हम टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया। इसके बाद ये हर 4 साल में रिपोर्ट जारी करती है। कौन करता है? NTCA, है ना, किसके साथ मिलकर? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनजीओ के साथ या गैर संगठन के साथ करके मिलकर करती है। 2006 में आया, 4 साल आप देखेंगे तो 2010 में आया, है ना। और जब ये दूसरी रिपोर्ट आई तो मैंने बताया था ना, इसके लिए अब यहाँ से टाइगर दिवस मनाना शुरू कर दिए। सेंट पीटर्सबर्ग में एक समिट हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन भी कहते हैं, और यहाँ से डिसाइड किया गया था कि अब हम बाघ दिवस मनाएंगे 29 जुलाई को, और 2022 तक इनकी संख्या डबल करने की कोशिश करेंगे। तो 2010 में आया। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद कब आया? 2014 में ये रिपोर्ट आई, और 2014 के बाद ये रिपोर्ट कब आई आपको पता है? 2018, और सबसे लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई अब आपको पता होगा 2022 की रिपोर्ट, जो हाल ही में आपको 29 जुलाई को जारी करी है। और किसके द्वारा जारी गई है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 के तहत, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनजीओ के तहत, ठीक है। तो ये पूछेगा कौन सी रिपोर्ट है भाई, तो आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये फिफ्थ रिपोर्ट है। कौन सी है? फिफ्थ रिपोर्ट है। और कौन जारी करता है आपको ये भी पता चल गया, बाघ दिवस कब मनाते हैं ये भी पता चल गया, किस वर्ष से मनाना शुरू कर दिया आपको ये भी बता दिया गया है। अब हमें इसी चीज को डिस्कस करना है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें क्या आंकड़े आए हैं और क्या डाटा आया है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो आपने इसको समझ गए? चलिए, तो अब हमें फिफ्थ टाइगर रिपोर्ट को देखना है। और ये जो इस बार की जो टाइगर रिपोर्ट है, इसको जो जारी करा है वो कौन करा है? कौन करा है, है ना, एक सेकंड। जो फिफ्थ टाइगर रिपोर्ट आई है, जो फिफ्थ टाइगर रिपोर्ट आई है 2022 की, हर 4 साल में होती है, मगर ये एक साल डिले से आई है ये, क्योंकि अभी आपको पता है मोदी जी ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर के भी आपके कितने वर्ष हो गए? अगर आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष मनाए हमने, तो प्रोजेक्ट टाइगर के हमने 50 साल मनाए हैं, इसको सेलिब्रेट किए हैं। एलिफेंट प्रोजेक्ट को भी हमने कितना 30 साल मनाया है, ये 1992 में शुरुआत हुआ था, तो ये ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। तो जब प्रोजेक्ट टाइगर का 50 ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो अभी मोदी जी कहाँ पे गए थे? बांदकपुर नेशनल पार्क गए थे, और बांदकपुर नेशनल पार्क में उन्होंने बताया था कि 2022 तक हमारे पास 3167 टाइगर हो चुके हैं, और ये पूरे विश्व के 75% टाइगर हैं, ठीक है। ये उन्होंने हाल ही में रिपोर्ट जारी किया था, और इसी के तहत उन्होंने एक संस्था भी बनाई थी यहीं पर, उसको कहते हैं IBCA, क्या? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, क्या बनाए थे? ये संस्था बनाए उन्होंने, ये कहां से? आपको पता होगा ये कर्नाटक में, उन्होंने कौन सा नेशनल पार्क गए थे? बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में है, मैसूर में है, और वहाँ पे गए थे, और वहाँ से उन्होंने एक चीज़ की शुरुआत करी है, एक संस्था की शुरुआत की, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल, क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और इसकी शुरुआत की गई है, और इसमें कितने लोग? 97 जो मेंबर्स कंट्रीज हैं, इन्होंने इस पर क्या किया गया है? शामिल किया गया है, ये शुरुआत की गई है। और इसके तहत एक बुकलेट भी जारी करे हैं उन्होंने, क्या किया गया है? एक बुकलेट जारी किया, जिसे क्या कहा गया है? टाइगर का या बाघों का अमृतकाल विजन, ये टाइगर का लिख सकते हैं, टाइगर का अमृतकाल विजन, इसकी शुरुआत की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपने, है ना, हाल ही में किया गया है, मोदी जी के द्वारा किया गया, और ये एक संस्था बनाई गई। अभी संस्था का बनाने का उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मतलब क्या है? इसके तहत क्या होंगे? हम दूसरों देशों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, क्योंकि हमने उसकी जनसंख्या बढ़ा के दिया है, तो जो अन्य देश हैं उनके लिए हमने एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, तो हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर वो इस संस्था से जुड़ सकते हैं, तो हम उनको उनके तरीके बता सकते हैं कि हमने कैसे इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ाई है,
तो वो भी अपने देश में क्या करेंगे, इनकी संख्या को बढ़ाने में एक रोल निभा सकते हैं। तो इस पर 97 मेंबर के साथ ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत करें और एक बुकलेट भी जारी करें, टाइगर का अमृतकाल विजन। तो ये जरूर याद रखना, ये 50 साल में मोदी जी के द्वारा किया गया था। समझ में आया? अब इसके बाद मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है और जो फिफ्थ टाइगर रिपोर्ट आई है, इसके तहत आपको पता होगा, जब मैं आपको पुरानी रिपोर्ट बताऊंगा 2018 की, तो 2018 की पुरानी रिपोर्ट में आपको पता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा किस स्टेट में सबसे ज़्यादा शेर मिले थे, तो आपको एमपी में मिले थे 526। इसके बाद दूसरे नंबर में था कर्नाटक 524, मात्र वो दो नंबर में, दो शेर कम थे वहाँ पे। और तीसरे नंबर में था उत्तराखंड, तीसरे नंबर में क्या था, उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड, ये था 448। मगर हाल ही में आई 2022 की रिपोर्ट है, चार साल में जो रिपोर्ट आई है, इसमें हमने देखा कि हमारे पास, और यहाँ पे टोटल जो शेर थे हमारे पास कितने थे, आपको पता होगा यहाँ पे टोटल शेर 29 थे, और 2022 में अब कितने बढ़ गए हैं, तो ये 3167 हो गए, तो 200 प्लस टाइगर बढ़े हैं। कब? 3167, है ना, और यहाँ पे हमारे पास 2967 थे। अब ये हाल ही में रिपोर्ट आई है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टेट दर्जा पाया है, तो यहाँ पे एक ट्रिक लिखना है आपको, और वो ट्रिक है कौन सी, मकाऊ। क्या है मकाऊ, तो आपको याद रखने में आसानी होगी, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ मिले हैं, और कितने मिले हैं आपको पता होगा, 785। समझ में आ रहा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ से इतना यहाँ पे बढ़ा है। इसके बाद कर्नाटक में, और कर्नाटक में कितने मिले हैं, तो आपको पता है 563 यहाँ पे मिले हैं, कहाँ पे, कर्नाटक, दूसरे नंबर में है कर्नाटक, और तीसरे नंबर में भी है उत्तराखंड, और यहाँ पे 560 मिले हैं उत्तराखंड। तो हाल ही की जो रिपोर्ट 2022 की आई है, जो 29 तारीख को जारी हुई है, तो आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश को इस पुनः क्या दिया गया है, दूसरी बार टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया, क्योंकि यहाँ पे 585 टाइगर मिले हैं, 563 कर्नाटक में, और 560 उत्तराखंड में। इसका कोड है मकाऊ। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा जहाँ पर टाइगर मिले हैं वो आपको पता चल जाएगा, है ना। और यहाँ पर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में 49% इंक्रीज़ हुए हैं, ना, मध्य प्रदेश 49% टाइगर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ये हमें देखने मिला है, क्लियर। और कितनी वृद्धि हुई है, तो आप बताएंगे 259 टाइगर एक्स्ट्रा बढ़े हैं, है ना। अगर आप 526 में अगर आपने किसको ऐड कर देंगे, आप अगर 259 ऐड कर देंगे, तो आपको 5785 आपको क्या मिलेंगे, सबसे ज़्यादा टाइगर स्टेट का, इसलिए इसे पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया, क्योंकि 2018 में भी टाइगर प्रोजेक्ट का, टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश के बाद था, तो अब चेंज हो गया, कहाँ पर शिफ्ट हो गया, फिर मध्य प्रदेश के पास है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, एक अचीवमेंट है। और आपको पता होगा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो टाइगर मिले हैं वो कहाँ पर हैं, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। कहां पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। कितने हैं अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे यहां पर 160 टाइगर हैं। कितने हैं? 160 टाइगर हैं। तो ये फर्स्ट नंबर में है ना, मगर आपको पता पूछेगा मध्य प्रदेश में, पूछेगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे देखने मिले हैं, तो आप क्या बोलोगे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आपको देखने मिलेंगे। और कितने? 135। तो ये क्या है, 135। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है पूछेगा, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। कितने? 135। और ये भारत का कौन से नंबर का है, भारत में ये कौन से नंबर का है, भारत का ये फोर्थ नंबर का है। परंतु सबसे ज्यादा टाइगर कहां पे है पूछेंगे, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा कहां पे 160 टाइगर हैं। और फोर्थ नंबर का कौन सा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का है, पहले नंबर का है अगर आपसे पूछेगा तो, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा बाघ मिले हैं। क्लियर? यहां तक मेरे को आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज क्या आपको क्लियर है। तो आपको याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, कितने परसेंट इंक्रीज, 49%। मगर एक चीज आपको ध्यान रखना है, 2008 से 2022 में कितने परसेंट ही रेशो आया है, 6.7% की वृद्धि आई है, जो कि बहुत कम है। अगर हम 2014 से 2018 के बीच में देखा जाएगा तो वहाँ पे 33% वृद्धि हुई थी, मगर यहाँ पे हमें सबसे कम देखने मिली है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बाघ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, माने बाघ की संख्या घटी है, तो आपको पता है अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे घटी है, तो आप बताना है आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद क्या बोलेंगे आप, छत्तीसगढ़।
यहाँ पे 29, यहाँ पे 26, है ना, इनकी संख्या घटी है, तो ये वहाँ पे सबसे कम है और यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। इसलिए आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश को हाल ही में टाइगर स्टेट का दर्जा पुनः दे दिया गया और हमारा मध्य प्रदेश फिर से, और मध्य प्रदेश में पूछेगा कहाँ से, तो आप क्या बोलोगे, बांधवगढ़। और बांधवगढ़ में कितने हैं, तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं 135, जबकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और बांधवगढ़ चौथे नंबर का नेशनल पार्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर प्रोजेक्ट हुए हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट और एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं कि हमने इतने साल में बाघों की संख्या डबल करके दिखाई, क्योंकि 2022 का एक टारगेट रखा था 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में कि हम इनकी संख्या डबल कर देंगे। तो आपको पता होगा कि बहुत ही बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी, मगर जो हमारे यहाँ से कंजर्व किया गया और जहाँ पर उनको बेहतरीन तरीके से हमने उनकी सुविधाएँ प्रोवाइड की, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की और उनका ब्रीडिंग सेंटर बनाया, और उसके तहत हमने आज ये अचीवमेंट पाई गया कि आज हमने इनकी संख्या डबल कर दी गई है। और आपको पता होगा, अब अभी वर्तमान में आप देखेंगे, क्योंकि अभी जब मोदी जी ने रिपोर्ट निकाला तब बाघों की संख्या 3167 थी, मगर अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आज के वर्तमान में 29 जुलाई में देखा जाए हम, तो 3685 हो गई है, जो कि पूरे विश्व के 75% टाइगर हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। और 7 प्रकार की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं शेर की, उप प्रजातियाँ, वो भी हमारे यहाँ पे भारत में देखी जाती है। इसलिए मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जारी किया गया है, जिससे दूसरे देश को प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा, है ना। मैं आशा करता हूँ आपको सबको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर, सब कुछ क्लियर है, है ना। चलिए, अगर आपको और कौन से टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।